हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल मार्केट। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या। तो ऐसा कोई भी मार्केट प्लेस जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती हो, यानी कि सिक्योरिटीज़ का व्यापार होता हो, चाहे वो बॉन्ड का व्यापार होता हो या किसी अन्य चीज़ का, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ का व्यापार होता है तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब ये ऑनलाइन भी हो सकता है व्यापार, ऑफलाइन भी हो सकता है, यानी कि कोई फाइनेंशियल मार्केट ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है। तो ऐसा कोई भी स्थान जहां पे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो रही होगी उसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहेंगे। अब देखिए, बात आती है कि इस फाइनेंशियल मार्केट की ज़रूरत क्या है, ये फाइनेंशियल मार्केट क्यों है। तो अब देखिए, मान लीजिए आप जो है एक कंपनी खड़ी करना चाहते हैं, तो आपको इस कंपनी को खड़ी करने के लिए कुछ कैपिटल की ज़रूरत होगी, कुछ पैसे की ज़रूरत होगी। तो अब मान लीजिए आपके पास जो है 20 रुपये अवेलेबल हैं, लेकिन जो कंपनी आपको खड़ी करना है वो है 100 रुपये उसके लिए लगेंगे, यानी कि जो रिक्वायर्ड कैपिटल है कंपनी को बनाने के लिए वो है 100 रुपये। तो आपको देखिए 80 रुपये और चाहिए हैं। तो अब देखिए, ये 80 रुपये कहाँ से आएंगे। तो ये 80 रुपये लाने के लिए फाइनेंशियल मार्केट में आप जा सकते हैं, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट में जो अलग अलग तरीके हैं उनको अपना सकते हैं। तो देखिए, दो तरीके हैं ये 80 रुपये जुटाने के। पहली बात हो गई डेब्ट, यानी कि आपने एक तरह से ऋण ले लिया। तो देखिए, ऋण आप कैसे लेंगे, आप लोन ले सकते हैं कि आप किसी बैंक के पास गए, आपने कहा कि ठीक है आप हमको इतना पैसा दे दीजिए और इतना ब्याज हम आपको देते रहेंगे। या आपने बॉन्ड जारी कर दिया, आपने कहा कि ठीक है ये बॉन्ड जो है हम जारी कर रहे हैं और इस पे इतना इंटरेस्ट रेट रहेगा। यानी कि मान लीजिए आपने 20 रुपये का बॉन्ड जारी कर दिया और कहा ठीक है कोई भी ये 20 रुपये का बॉन्ड खरीद सकता है और जो भी ये बॉन्ड खरीदेगा उसको जो है हम 10% महीने साल के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे। यानी कि ये सब एक तरह से आप डेब्ट ले रहे हैं कि आपने कुछ पैसा किसी से ले लिया और उसके बदले में आप उसको ब्याज देंगे। तो देखिए, ऋण यही तो होता है कि आप पैसा लेते हैं और बदले में ब्याज देते हैं। तो इसी का और एग्जांपल देखिए हो गया डिबेंचर्स है, ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल पेपर है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉरोइंग है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनमें से जितनी भी ये चीज़ें हैं, लोन, बॉन्ड, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर्स, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉरोइंग, तो ये सारी चीज़ें डेब्ट के एग्जांपल हो गए। यानी कि आप जो है अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए लोन ले रहे हैं या किसी अन्य तरीके से जो है ऋण ले रहे हैं। अब देखिए, बात आती है कि कोई आपको ये डेब्ट देगा क्यों, यानी कि आपका कोई बॉन्ड वगैरह खरीदेगा क्यों। तो मान लीजिए एक व्यक्ति ए है जिसने आपका ये बॉन्ड खरीदा था। तो ये जो ए है उसने आपसे 20 रुपये का बॉन्ड खरीदा, तो एक तो उसको हर साल आप उसे 10% जो है ब्याज के रूप में दे रहे हैं, यानी कि हर साल उसे 2 रुपये तो मिल ही रहा है, और जब ये बॉन्ड मैच्योर होगा तो 20 रुपये भी इसको वापस मिल जाएंगे। तो पहला फ़ायदा। दूसरी बात, इसमें रिस्क कम है। रिस्क इसलिए कम है क्योंकि उसको इससे मतलब नहीं है, यानी ए को इससे मतलब नहीं है कि जो आपकी कंपनी है वो लॉस में है, प्रॉफिट में है। उसको तो उसका ब्याज चाहिए, हर साल उसको उसका ब्याज चाहिए 10%, और जब बॉन्ड मैच्योर होगा तो बाकी का भी पैसा चाहिए, यानी कि रिस्क उसको बहुत कम है। इसके साथ अब मान लीजिए बाई चांस आप कह दें कि मेरी जो कंपनी थी वो दिवालिया हो गई, यानी कि अब मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है कि मैं आपका ब्याज चुका पाऊँ या बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है उस समय उसका पैसा दे पाऊँ, तो क्या है कि अब क्या होगा, आपकी कंपनी जो है उसको नीलाम किया जाएगा, यानी कि जो आपकी कंपनी है उसका जितना भी सामान है, जो कि जो भी एसेट्स हैं, उन सभी को नीलाम कर दिया जाएगा, और उन एसेट्स को बेचने के बाद जिसकी लायबिलिटी को सबसे पहले चुकाया जाएगा, या कह लीजिए जिसका फर्स्ट क्लेम बनेगा, वो ये ए ही होगा, यानी कि इसका फर्स्ट क्लेम होगा। तो डेब्ट का ये फ़ायदा है कि मान लीजिए आपकी कंपनी डूब भी गई तो भी, अब देखिए अगर आपकी कंपनी को बेचने से मान लीजिए 30 रुपये मिले, तो इस पे सबसे पहला क्लेम ए का होगा, यानी कि इसका पैसा आसानी से इसके हाथ में आ जाएगा, या कह लीजिए जितना लॉस होना चाहिए उससे कम ही लॉस होगा। तो दो फायदे हैं डेब्ट के, एक तो रिस्क कम होता है, दूसरा पहला क्लेम मिलता है, यानी कि सबसे पहले जिसने डेब्ट दिया है उसी का पैसा चुकाया जाता है। अब बात आती है देखिए इक्विटी की। तो इक्विटी क्या है, इक्विटी में जैसे कि IPO जारी कर देना, शेयर जारी कर देना, यानी कि अब देखिए आपको क्या चाहिए था, 80 रुपये चाहिए थे, 80 में से 20 का तो जुगाड़ हो गया बॉन्ड से, 60 रुपये का भी जुगाड़ नहीं हुआ है, तो आपने क्या सोचा कि ठीक है 60 रुपये के शेयर जारी कर देते हैं, और जो लोग हमारे शेयर, देखिए पहली बार अगर आप जारी कर रहे हैं तो उसे IPO कहते हैं, और दोबारा में जो है उसे शेयर्स कहते हैं। तो आपने सोचा कि चलिए 60 रुपये के IPO निकाल देते हैं अपनी कंपनी के, और जो लोग इसे खरीदेंगे वो भी कंपनी के मालिक बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो अब क्या हुआ, 60 रुपये के जो आपने IPO जारी किए, तो कुछ लोगों ने इसे खरीद लिया, मान लीजिए 3 लोगों ने मिलकर 20-20 रुपये के आपके IPO खरीद लिए, तो 3 लोगों ने 20-20 रुपए के आपके एक तरह से कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब ये क्या है, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपको इन्हें कोई ब्याज वगैरह नहीं देना है, बल्कि इनको आपको क्या देना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट में से हिस्सा, यानी कि आपको जितना प्रॉफिट होगा एक उसका निश्चित परसेंट
इन लोगों को देना होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इक्विटी का एग्जाम्पल हो गया, यानी कि ये आपके अंशधारक हैं कंपनी में, आपकी जो कंपनी का टोटल हिस्सा है उसके एक अंश के ये धारक हैं, या कह लीजिए उसके एक पार्ट के ये मालिक हैं। तो ऐसे में इनको क्या मिलेगा, इनको जो है आपकी कंपनी के लाभ में से एक निश्चित हिस्सा दिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है कि रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि अब देखिए आपकी कंपनी को फ़ायदा होगा तो इन्हें फ़ायदा होगा, और अगर आपको नुकसान हुआ तो इन्हें नुकसान होगा, लेकिन प्रॉफिट कभी कभी इसमें ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए आपकी कंपनी ने जो है एक साल के अंदर 100% का प्रॉफिट कमाया, यानी कि दुगनी हो गई आपकी कैपिटल जो कंपनी की थी, आपका बिजनेस दुगना हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए जिन्होंने बॉन्ड खरीदा है उन्हें तो 10% मिलेगा, लेकिन जिन्होंने शेयर लिए थे अब उनकी भी कैपिटल दुगनी हो गई, क्योंकि वो आपके शेयर धारक हैं। तो इक्विटी में फ़ायदा ज़्यादा होता है लेकिन रिस्क भी साथ में ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ तक हमने देखा कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप जाएंगे फाइनेंशियल मार्केट, और वहाँ पे दो तरीके से आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं, एक तो डेब्ट लेके यानी कि ऋण लेके, और दूसरा इक्विटी द्वारा यानी कि लोगों को अपना शेयर धारक बना के। तो देखिए अब बात आती है कि फाइनेंशियल मार्केट के प्रकार क्या हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट के भी दो प्रकार हैं, एक तो हो गई मनी मार्केट और दूसरी हो गई कैपिटल मार्केट। तो देखिए अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, यानी कि आपको अब मान लीजिए आपका कहीं पे पेमेंट अटका हुआ है, मान लीजिए आपकी एक कपड़े की फैक्ट्री है और आपने किसी को कपड़े की डिलीवरी तो कर दी है पर वो कह रहा है कि पेमेंट जो है मैं 2 महीने बाद दे पाऊँगा, तो अब इस 2 महीने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत है। तो वो आप कैपिटल कहाँ से प्राप्त करेंगे, वो आप प्राप्त कर सकते हैं मनी मार्केट से, यानी कि अगर आपकी शॉर्ट टर्म में कैपिटल की डिमांड है तो आपकी वो मनी मार्केट से पूरी हो जाएगी। इसी तरह से कई बार सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तो सरकार भी जो शॉर्ट टर्म में सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है उसको उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मनी मार्केट में जाती है। तो अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म की ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। फिर देखिए बात आती है कैपिटल मार्केट की। तो कैपिटल मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, यानी लंबे समय के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, तो आप जाएंगे कैपिटल मार्केट में। अब देखिए मान लीजिए कि हमारी भारत सरकार को 10 करोड़ रुपए चाहिए और ये 10 करोड़ रुपए से सरकार रोड बनाना चाहती है या कुछ और करना चाहती है। तो कहने का मतलब है इसको 10 करोड़ रुपए चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए, 10 साल के लिए। तो अब 10 साल के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, लंबे समय के लिए चाहिए, तो जाएगी कैपिटल मार्केट में, यानी कि ये जो पैसा मिलेगा ये कैपिटल मार्केट से मिलेगा। अब देखिए मान लीजिए सरकार ने ये जो 10 करोड़ रुपए हैं इसका एक बॉन्ड जारी कर दिया, सुविधा के लिए केवल एक बॉन्ड समझते हैं, और ये जो 10 करोड़ रुपए का सरकार ने बॉन्ड जारी किया ये 10 साल के बाद जो है मैच्योर होगा, यानी 10 साल के बाद आपको आपका 10 करोड़ रुपए वापस मिलेगा और बाकी प्रत्येक वर्ष आपको 10% की दर से ब्याज मिलता रहेगा, यानी कि 10 सालों तक आपको 10% की दर से ब्याज मिलता रहेगा और 10वें साल आपको 10% जो है पूरा 10 करोड़ आपका पूरा वापस मिल जाएगा। अब देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति ए जो है इसको खरीद रहा है, तो अब देखिए जो कैपिटल मार्केट है इसके दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देखिए प्राइमरी मार्केट क्या है, अब ए जो है इस सिक्योरिटी को, इस बॉन्ड को, ये जो 10 करोड़ रुपए का है पहली बार खरीद रहा है, तो ये खरीदेगा प्राइमरी मार्केट में। यानी कि देखिए वर्ड जो है इसके मीनिंग से ही पता चल रहा है कि प्राइमरी यानी कि जो चीज़ पहली बार खरीदी जा रही है तो वो कहाँ बिकेगी, कहाँ खरीदी जाएगी, वो प्राइमरी मार्केट में उसकी ट्रेडिंग होगी। अब देखिए ए को लगता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और इसके लिए वो बी से कॉन्टैक्ट करता है, वो बी को ऑफ़र करता है कि ये 10 करोड़ की जो सिक्योरिटी है या 10 करोड़ का जो बॉन्ड है ये मैं आपको 9 करोड़ में दे दूंगा और आप इसको खरीद लीजिए। बी राजी हो जाता है, तो अब ये बी जो ट्रेडिंग करेगा या जो बी खरीदेगा ए से इस बॉन्ड को, वो कहाँ खरीदेगा, वो सेकेंडरी मार्केट में खरीदेगा। यानी कि एक बार कोई चीज़ इशू हो गई, एक चीज बार कोई चीज़ बिक गई, फिर दूसरी बार तीसरी बार जब वो बिकेगी तो वो कहाँ बिकेगी, वो सेकेंडरी मार्केट में बिकेगी। तो इस चीज़ को याद रखिए कि पहली बार बिकेगी तो वो प्राइमरी में और जब दूसरी बार बिकेगी तो वो सेकेंडरी मार्केट में। देखिए एक अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है मनी मार्केट का है या इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कैपिटल मार्केट का है, तो हमको देखिए ये पता होना चाहिए। तो देखिए मनी मार्केट से संबंधित है कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और ट्रेड बिल। तो देखिए ये सारे के सारे मनी मार्केट से संबंधित हैं, इनके नाम हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे हम दो की बात भी करेंगे, दो इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, कॉल मनी और ट्रेजरी बिल की हम इस आप कह लीजिए इस लेक्चर में बात करेंगे। और देखिए कैपिटल मार्केट के अंतर्गत क्या आता है, तो IPOs हैं, शेयर हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से मतलब जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं,
तो ये सब कैपिटल मार्केट के एग्जांपल हैं। तो देखिए कैपिटल मार्केट में आज हम लोग बॉन्ड्स की बात करेंगे, तो बॉन्ड्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर देखिए जो आईपीओ होते हैं, जो शेयर होते हैं, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनको हम अगले लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कॉल मनी क्या है, ट्रेजरी बिल क्या है, बॉन्ड क्या है। देखिए एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो क्वेश्चन होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं और जो ट्रेजरी बिल होते हैं तो इसमें क्या अंतर है, यानी कि देखिए दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल, तो इसमें अंतर क्या है। ये पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम या एसएससी के जो हायर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें अक्सर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें ये जो हम स्लाइड पढ़ने जा रहे हैं इसमें मिल जाएगा। तो देखिए जब मैं बॉन्ड की बात करूं और जब मैं ये कहूं कि एक ऐसा बॉन्ड जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ही एग्जांपल होगा। तो जबकि आप बॉन्ड को समझ रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को समझते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी थी। अब देखिए बॉन्ड क्या है, जैसा कि हमने देखा कि ये कैपिटल मार्केट से संबंधित है, यानी कि देखिए कैपिटल मार्केट से मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसा चाहिए है और किस तरह का डेप्ट में, यानी कि अगर आपको ऋण चाहिए है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कहाँ जाएंगे, आप बॉन्ड खरीदेंगे या फिर कह लीजिए बॉन्ड इशू करेंगे। खरीदेगा तो कोई और, जो इन्वेस्टर होगा वो खरीदेगा और आप इशू करेंगे। तो देखिए ए बॉन्ड इज ए फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट इन विच एन इन्वेस्टर लोन्स मनी टू एन एंटिटी, यानी कि देखिए इसमें मेन बातें क्या निकल के आ रही हैं। पहली बात तो है कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनकम फिक्स्ड है, इनकम नियत है, इनकम आपकी चेंज नहीं होगी। जैसा कि मैं अभी तक आपको बताता आ रहा हूँ कि एक निश्चित समय के बाद जो आपने इन्वेस्ट किया है वो मिल जाएगा और इसके बीच में आपको जो आपने इन्वेस्ट किया है उस पर कुछ ब्याज वगैरह भी मिलता रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक जो इन्वेस्टर है वो किसी एंटिटी को, चाहे वो गवर्नमेंट से संबंधित हो, चाहे पीएसयू हो या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी एंटिटी हो सकती है जिसे एक इन्वेस्टर जो है लोन देता है, यानी कि अपना पैसा ऋण के रूप में देता है और एक निश्चित समय के बाद उससे वापस ले लेता है। देखिए जो बॉन्ड के अलग अलग प्रकार होते हैं, यानी कि आपका ज़ीरो कूपन बॉन्ड हो गया, इस तरह का बियरर बॉन्ड हो गया, तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है जनरली अब ट्रेंड ये है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, समझ की बेस पर आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ रहा हूँ और आपको इसलिए बता दिया कि अगर आप बाई चांस पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी बुक से उसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं उन चीज़ों की बात करूँगा जो इधर कुछ वर्षों में लगातार करेंट में बने हुए हैं, कह लीजिए कि जो समसामयिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं। तो पहले आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो देखिए ये क्या है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, तो देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कि ये संबंधित है गोल्ड से, यानी सोने से। तो देखिए भारत में ऐसा हुआ कि जो सोना है उसमें लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे, तो इस चक्कर में जो सोने का आयात है वो बढ़ गया। अब देखिए सोने का जब हमारे यहाँ आयात होगा तो हमारे यहाँ जो विदेशी मुद्रा का कोष है वो बाहर जाने लगेगा, क्योंकि अगर हम सोना खरीदेंगे तो उसके बदले हमें डॉलर या इस तरह की कोई विदेशी मुद्रा देना पड़ेगी, तो हमारा जो विदेशी मुद्रा का कोष है वो खाली होने लगा। तो सरकार ने सोचा कि इसके लिए कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए कि जो लोग सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है वो सोने में इन्वेस्ट भी करते रहें, गोल्ड में इन्वेस्ट भी करते रहें, लेकिन हमारा ये जो विदेशी मुद्रा का कोष है ये भी खाली ना हो, यानी कि जो सोने का बहुत ज़्यादा आयात हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमें गोल्ड का इम्पोर्ट करना हो रहा है, तो इस समस्या से भी निपटा जा सके। तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने जो योजना लाई उसे कहते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है, जैसा कि नाम से पता है कि एक तरह का बॉन्ड है, तो बॉन्ड है तो क्या होगा, यानी कि देखिए आप मान लीजिए 100 रुपये का गोल्ड मार्केट में ख़रीदने जा रहे थे, तो सरकार कहती है कि आप ये 100 रुपये का गोल्ड रहने दीजिए खरीदने को, इसकी जगह हमसे बॉन्ड खरीद लीजिए 100 रुपये का गोल्ड बॉन्ड। तो ये उतनी ही वैल्यू का गोल्ड आपने समझिए एक तरह से खरीद लिया, जितनी वैल्यू का आप गोल्ड जो है फिजिकल फॉर्म में खरीदते उतनी वैल्यू का आपने एक पेपर पे सरकार से खरीद लिया, यानी कि एक पेपर पे सरकार ने आपको लिख के दे दिया कि इनके पास 100 रुपये का गोल्ड है। अब देखिए क्या होगा, आपको एक जो निश्चित इंटरेस्ट रेट है जैसा कि बॉन्ड में होता है वो मिलता रहेगा, सपोज़ 5% सरकार ने तय किया है तो 5% का इंटरेस्ट रेट आपको हर साल मिलता रहेगा। ये जो बॉन्ड है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाएगा, जो हमारा RBI है उसके द्वारा जारी किया जाएगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे, यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसे RBI जारी करेगा। फिर देखिए अब मान लीजिए कि आपने जो गोल्ड खरीदा, अब सपोज़ चलिए एक एग्जांपल से ही समझते हैं, मान लीजिए आपने 1 ग्राम गोल्ड खरीदा आज,
और इसकी मार्केट वैल्यू है 100 रुपये। और एक साल बाद मान लीजिए जब आप इस गोल्ड को, 1 ग्राम गोल्ड को मार्केट में बेचने जाते हैं तो वैल्यू हो गई है इसकी 120 रुपये, तो आपको 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। और अगर इसकी वैल्यू रह गई है केवल 80 रुपये तो आपको 20 रुपये का नुकसान हो जाएगा। सेम यही बात देखिए गोल्ड बॉन्ड के साथ भी लागू हो रही है, क्योंकि बस ये फिजिकल फॉर्म में गोल्ड नहीं है, बाकी सरकार इसे गोल्ड की ही तरह मान के चल रही है। तो ऐसे में क्या होगा, अब ये देखिए 100 रुपये का आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदा था, मान लीजिए उस समय 100 रुपये का 1 ग्राम सोना मिलता था, तो सिंपली कह सकते हैं कि 1 ग्राम सोने की कीमत थी 100 रुपये, यानी कि एक तरह से आपने सरकार से 1 ग्राम सोना खरीद लिया था इस बॉन्ड के माध्यम से। तो अब क्या होगा, ये जो 1 ग्राम सोना है, सपोज़ इसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है, इस गोल्ड की कीमत बढ़ जाती है और 120 रुपये हो जाती है जैसे इस केस में हुआ है, तो सरकार आपको इस बॉन्ड के बदले में आपको कितना रुपये देगी जब आप सरकार के पास जाएंगे मैच्योरिटी के लिए, 120 रुपये देगी। लेकिन वहीं पे देखिए अगर इस सोने की कीमत जो है गिर जाती है, जैसे कि हमने दूसरे वाले केस में देखा, इस वाले केस में, तो क्या होगा, फिर सरकार आपको केवल 80 रुपये देगी। देखिए जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है इसका मैच्योरिटी पीरियड है 8 साल, और 5वें साल के बाद आप कभी भी इसे जो है वापस कर सकते हैं सरकार को, कह लीजिए वापस सरकार को बेच सकते हैं, यानी कि 8 साल इसका मैच्योरिटी पीरियड है और 5 साल के बाद आप कभी भी इससे बाहर निकल सकते हैं। फिर देखिए अब बात आती है ग्रीन बॉन्ड की, तो देखिए ग्रीन वर्ड से ही पता चलता है कि कुछ इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज से संबंधित ये है। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, अब मान लीजिए जो हमारी भारत सरकार है वो चाहती है कि कोई जो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट है उसको लगाना चाहती है, या कुछ भी ऐसा करना चाहती है जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, जो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से संबंधित है, तो इसके लिए हमारी भारत सरकार को पैसा चाहिए। तो अब इसके लिए वो क्या करेगी, ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी, यानी कि आप इस ग्रीन बॉन्ड में, ये जो ग्रीन बॉन्ड है, हरित बॉन्ड है, इसमें निवेश करिए, तो यानी कि भारत सरकार को एक तरह से आप ये ऋण दे देंगे कुछ पैसा, और ये जो ऋण आप देंगे भारत सरकार को, इसका प्रयोग भारत सरकार इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट के लिए करेगी। तो देखिए ये जो ग्रीन बॉन्ड है अभी हाल में चर्चा था, देखिए जो हमारी भारतीय रेलवे है अभी हाल में इसने ये जो ग्रीन बॉन्ड है इन्हें जारी किया था, तो हमारी भारतीय रेलवे की जो एक संस्था है IFRC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ये ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि किस मार्केट में, किस फाइनेंशियल मार्केट में इन्हें जारी किया गया है। तो देखिए गुजरात में है गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक, तो गुजरात में ये जो गिफ्ट सिटी है यहाँ पे मार्केट है इंडिया INX यानी इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज, तो इंडिया INX में ये जो हमारी IFRC है इसने ग्रीन बॉन्ड को जारी किया है। तो ये थोड़ा सा रेफरेंस के लिए आपको बता दिया, जिससे कि कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो आप क्रैक कर लें। फिर देखिए इसी तरह से हमारे यहाँ म्यूनिसिपल होते हैं, यानी कि जो शहर होते हैं उनमें म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, तो सबकी अपनी अपनी म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती हैं। तो अब मान लीजिए ये जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, यानी कि जिसे हम कहते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, ये सब जो हैं, अब इन्हें अगर पैसे की ज़रूरत है तो ये क्या करेंगे, तो इनके पास भी ये अधिकार होता है कि ये बॉन्ड जारी करें, और फिर जो लोग उसे बॉन्ड उन बॉन्ड्स को खरीदेंगे तो वो एक तरह से ये जो हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको ऋण दे देंगे। अब देखिए बात करते हैं कि ये बॉन्ड यील्ड क्या होता है, तो देखिए इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है जो एक बॉन्ड को ख़रीदता है जिसकी कीमत है 100 रुपये, तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो हो गया आपका 100 रुपये, तो ए ने इसे 100 रुपये का ख़रीदा, और मान लीजिए इस पे जो इसे ब्याज मिलेगा वो 10% की दर से मिलेगा, यानी हर साल 10% ब्याज मिलेगा, तो 100 का 10% यानी इसका इंटरेस्ट कितना हो गया, तो इंटरेस्ट हो गया 10 रुपये। तो अब देखिए बॉन्ड यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो बॉन्ड का प्राइस है और जो इंटरेस्ट है उसको डिवाइड करके, यानी देखिए बॉन्ड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए 10/100 × 100, क्योंकि बॉन्ड यील्ड परसेंट में होगी, तो आ गया 10%, ये हो गई बॉन्ड यील्ड। अब देखिए आगे देखते हैं, मान लीजिए जो ए है अब इसको पैसे की ज़रूरत है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को बेचेगा। मान लीजिए बी ने जो है ए से इस बॉन्ड को ख़रीद लिया 90 रुपये में। अब देखिए एक बात आती है कि ए इस बॉन्ड को सस्ता क्यों बेचे, यानी 100 रुपये के बॉन्ड को 90 रुपये का क्यों बेचे, तो देखिए इसका रीज़न ये है कि फिर अगर ए बी को ये बॉन्ड सस्ता नहीं मिलेगा तो वो सीधे भारत सरकार से ख़रीद लेगा या उस संस्था से इस बॉन्ड को ख़रीद लेगा जो इसे जारी कर रही है, ए से क्यों खरीदेगा, तो क्योंकि बी जो को सॉरी जो ए है वो बी को अट्रैक्ट करना चाहता है, तो इसलिए इसे बॉन्ड का प्राइस जो है भारत सरकार या जो संस्था जारी करती है उससे कम रखना होगा।
तो ये कहता है ठीक है हम आपको 90 रुपये में ही ये बॉन्ड दे देंगे, आप ले जाइए। लेकिन देखिए अब भारत सरकार ने मान लीजिए अगर इस बॉन्ड को जारी किया है, तो भारत सरकार की नज़र में आज भी इस बॉन्ड की जो कीमत है वो 100 रुपये है, भले ही बी ने इसे 90 रुपये में ख़रीदा हो, और जो भारत सरकार इंटरेस्ट देगी वो 100 रुपये पे देगी, यानी कि उसी तरह से इंटरेस्ट देगी जैसे पहले दे रही थी। तो देखिए बी को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा, क्योंकि पहले भी 10 रुपये था 10% के हिसाब से, तो अभी भी बी को 10 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इसकी बॉन्ड यील्ड क्या होगी, तो 10/90 × 100। तो देखिए ये 0-0 कैंसिल हो जाएगा, और जब 100 में आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11.1111%, यानी कि बॉन्ड यील्ड क्या है, बढ़ गई। अब जो देखिए हमारा बी है, मान लीजिए यही बॉन्ड को सी को बेचता है, यानी अब बी ने इन्हीं कंडीशंस में या किसी अन्य कंडीशंस में इसे सी को बेच दिया 80 रुपये का, यानी कि इसने और सस्ते में बेचा, मैंने आपको रीज़न बताया है क्यों। तो अब देखिए क्या होगा, इसको भी प्रॉफिट तो 10 ही रुपये मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो यही मान के चल रही है कि 100 रुपये के बॉन्ड पे हमें 10% ब्याज दे देना है। तो जो सी को प्रॉफिट मिलेगा या सी को इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 रुपये मिलेगा। तो अब इसकी बॉन्ड यील्ड क्या हुई, 10/80 × 100। तो देखिए ये 0-0 कैंसिल हो गया, और जब आप 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 12.5%। तो बॉन्ड यील्ड और बढ़ गई। तो देखिए यहाँ पे जो मेन बात है जो याद रखने वाली है कि जैसे जैसे प्राइस गिरेगा बॉन्ड का, वैसे वैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जैसे जैसे बॉन्ड का प्राइस गिरता जाएगा बॉन्ड यील्ड बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से देखिए अभी तक हमने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में देखा वो ये देखा कि एक तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं, ये कैपिटल मार्केट से संबंधित है, और इसमें क्या होता है कुछ आप प्रिंसिपल जमा करते हैं, या कह लीजिए आप कुछ प्रिंसिपल जो है कुछ जिसे हम मूलधन कहते हैं हिंदी में, तो कुछ आप मूलधन या प्रिंसिपल जो है लोन के रूप में देते हैं और उस पर इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं। तो देखिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल में अंतर पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये रिवाइज करा दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रेजरी बिल की ओर। देखिए जो ट्रेजरी बिल है इसका जो मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 364 डेज़ होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो मैच्योरिटी की अवधि होगी वो 364 डेज़ होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो यानी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए हो गया। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो, या फिर कह लीजिए जो सरकार को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो ट्रेजरी बिल को जारी करती है। तो ये इस तरह से मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्योंकि हमने शुरू में ही देखा कि जो शॉर्ट टर्म का डेब्ट वगैरह होता है ये मनी मार्केट से संबंधित होता है। देखिए जो हमने बॉन्ड के बारे में देखा था, तो देखिए गोल्ड बॉन्ड की जो मैच्योरिटी पीरियड था वो 8 साल था, वहीं पे जो जो ट्रेजरी बिल है इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो केवल 1 साल से भी कम है। तो ऐसे में देखिए एक अंतर तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का साफ यहाँ पे दिख गया। इसी के साथ ट्रेजरी बिल्स आर 0 कूपन सिक्योरिटीज़ एंड पे नो इंटरेस्ट, यानी ट्रेजरी बिल जो है 0 कूपन सिक्योरिटीज़ हैं जिनके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा। जबकि बॉन्ड या फिर कह लीजिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर कोई ट्रेजरी बिल में निवेश क्यों करेगा, यानी कि कोई अपना पैसा ट्रेजरी बिल में क्यों लगाएगा जबकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना है। तो देखिए ट्रेजरी बिल का सीन ऐसा है कि मान लीजिए भारत सरकार ने 100 रुपये का ट्रेजरी बिल जारी किया, तो भारत सरकार ने ये ट्रेजरी बिल जो है आपको डिस्काउंट पे बेच दिया, यानी कि 80 रुपये पे बेच दिया, और इस वादे के साथ बेचा कि मान लीजिए 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद यानी कि एक निर्धारित समय के बाद जब भारत सरकार आपसे वापस ये ट्रेजरी बिल खरीदेगी तो 100 रुपये का खरीदेगी, यानी कि इसकी जो फेस वैल्यू है जो 100 रुपीज़ इसकी रियल वैल्यू है उसी वैल्यू पे भारत सरकार इसको आपसे इस ट्रेजरी बिल को आपसे खरीद लेगी, जबकि आपको ये जो बेचा है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचा है, यानी कि कम रुपए में बेचा है, 80 रुपए में बेचा है। तो इस तरह से ट्रेजरी बिल पे प्रॉफिट होता है। देखिए मनी मार्केट के अंतर्गत जो दूसरा हमको पढ़ना था वो था कॉल मनी। तो कॉल मनी क्या है, अब देखिए मान लीजिए एक बैंक है तो उसको CRR मेंटेन करना होता है, और भी उसकी कैश की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए उसे पैसा चाहिए होता है। तो अचानक मान लीजिए एक जो बैंक है उसके पास जो कैश है उसकी शॉर्टेज हो गई, यानी कि कैश कम हो पड़ गया, तो अब वो क्या करेगा, इसको बोरो करेगा, तो कहाँ से बोरो करेगा, किसी दूसरे कॉमर्शियल बैंक से बोरो करेगा, यानी कि मान लीजिए SBI के पास पैसा कम पड़ गया तो ये PNB से
के पास गया और उधार ले आया, तो कितने दिन के लिए? मिनिमम एक दिन के लिए और मैक्सिमम 14 दिन के लिए। तो एक दिन से 14 दिन तक के लिए ये उधार ले सकता है। तो अगर देखिए इसने एक दिन के लिए उधार लिया है कि बस हमको एक दिन के लिए आप पैसा दे दीजिए और एक दिन बाद हम चुका देंगे, तो ये एक दिन के लिए लिया है, इसको कहा जाएगा कॉल मनी। लेकिन अगर एक दिन से ज़्यादा के लिए लिया है और 14 दिन तक के लिए कितने भी दिन के लिए लिया है, यानी एक दिन से ज़्यादा और फिर कह लीजिए 2 से 14 के बीच में कितने दिन के लिए भी लिया हो, तो उसे कहेंगे नोटिस मनी। तो देखिए यहाँ पे बात आ रही है कॉल मनी की, तो अगर केवल एक दिन के लिए बोरो किया गया है, सिंगल डे के लिए बोरो किया गया है, तो हम उसे कहेंगे कॉल मनी। एक बार फिर से बता देता हूँ, सपोज़ SBI के पास कैश की शॉर्टेज हो गई, कैश की कमी हो गई, तो इसलिए ये गया PNB के पास या किसी दूसरे कॉमर्शियल बैंक के पास और एक दिन के लिए कुछ पैसा उधार ले आया और अपना काम चला लिया, तो इसे हम कहेंगे कॉल मनी, जो कि आएगा मनी मार्केट के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।